मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सिविल सर्जन पर कार्रवाई को लेकर कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी इलाज के दौरान लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना कार्यकर्ता। कांग्रेस का शोरूम बंद हो चुका है, दुकान लुट चुकी है, तभी दूसरे तीसरे नंबर पर आए नेताओं को कांग्रेस टिकट दे रही है। इधर जसवंत सिंह के निधन पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने शोक व्यक्त किया। देखिए जेपी अस्पताल में मैंने कल दौरा किया था और हमारे स्पष्ट निर्देश है कि अस्पतालों की व्यवस्था चौक चौबंद होनी चाहिए, चाहे वो कोविड पेशेंट का मामला हो या नॉन कोविड पेशेंट का मामला हो। लगातार शिकायतें आ रही थी और वहां के सिविल सर्जन को लेकर भी शिकायतें थी, इसीलिए सिविल सर्जन डॉक्टर तिवारी को हटाया है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो इसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस में तो कोई मिल नहीं रहा, कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया। लगातार इश्तेहार निकालने के बाद भी कांग्रेस को ना कार्यकर्ता मिल रहा है ना उम्मीदवार मिल रहा है। उनका जाना निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक रिक्तता पैदा करता है। वो लंबे समय तक बीमारी के बाद हमारे बीच से चले गए, मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस मुक्त देश की परिकल्पना की थी, उसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से इस देश से भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस रूपी जो वायरस इस देश की राजनीति में फैला है उसके हाथ को अब पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। वो भारती जी हमारी बड़ी नेत्री, जल्द स्वस्थ होगी, मैं स्वस्थता की उनकी कामना करता हूँ।